आज की गुफ्तु करने का मकसद ये है कि हर साल हमारे इस पेचीदा पावर सेक्टर के अंदर जो नेपरा है वो कीमतों का तयन करता है हर तीन महीने के लिए क्यू टी ए की माद में और हर महीने के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट जो चार्जेज हैं उसकी मद में इस जितनी भी ये बाकायदा जी पटिशन फ़ाइल की जाती हैं और इनके जो फ़ैसले आते हैं उनको मीडिया के अंदर समझ ना होने की वजह से हमेशा एक गलत एंगल से प्रोजेक्ट किया जाता है कि मुसलसल इजाफा हो रहा है इस दफा अगर हमारी पटिशन् तस्लीम कर ली गई और अगर नेपरा ने फैसले हमारी पटिशन्स की जो बहस है उसको मान के किए जो हर तीन महीने और हर महीने बाद होती हैं तो आज आपको मैं ये इतलाह दे रहा हूँ कि 26 अगस्त को यानी कल के दिन में जो नेपरा ने केस सुना है जो समात की है उसके मुताबिक क्यू के मद के माध्यम से लेकर नवंबर के बिलों के अंदर छियानवे पैसे फ़ी यूनिट का इजाफा होगा लेकिन उसी के साथ साथ जो फ्यूल के जो जी चार्जेस हैं उसके अंदर दो रुपये सतासी पैसे की कमी आएगी और अगर टैक्स का इंपैक्ट उसके साथ लगा दें तो सार्फीन को दो रुपये सैंतीस पैसे फ़ी यूनिट तमाम सारफी को कम अदा करने पड़ेंगे तो ये मेरी बा क्लैरिफिकेशन देना ज़रूरी है ताकि इस मुल्क के अंदर माहौल जो ऐसा क्रिएट हो जाता है ना समझ की वजह से कि हर वक़्त इजाफा हो रहा है